परंपरा है दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर वधू के घर तक पहुंचाया जाता है। किसी की भी शादी हो, पैसे कितना ही पैसे वाला हो, उसके पास बड़ी बड़ी कारें हों, लेकिन वो ले जाए उसको घोड़ी पर बिठाकर। आप रोज़ इधर से अपने आसपास देखते होंगे। और लेकिन जब कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठा हो उसको आप ध्यान से देखें, चाहे वो कितना भी भद्दा हो, बदसूरत हो, मरियल हो, कमज़ोर हो, मन से कायर हो, लेकिन पट्ठा उस वक्त घोड़ी पर ऐसे अकड़ कर बैठता है जैसे महाराणा प्रताप हल्दीघाट का युद्ध करने जा रहे हैं। देखिए ऐसे एक दूल्हे के साथ दुर्घटना घटती है। कल्पना करें, दूल्हा घोड़ी पर जा रहा है, पीछे बारात है, बैंड बाजा बज रहा है, आतिशबाजियाँ छूट रही हैं, उस गरीब के साथ क्या होता है। शीर्षक इसका दूल्हे की घोड़ी, बड़े छोटे छंद में सहज कविता है कि नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी। दोनों का पहला तजुर्बा जिंदगी में, घोड़ी भी संयोग से इस काम में पहली बार आ रही है शादी के काम में। नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी, बाजे द्रुत बजते थे, छत्र चवट डुलते थे, बाराती आपस में मिलते थे, झुलते थे, करते थे रंगड़ियाँ, लोग सब मचलते थे, दूल्हे के संग संग दर्शक भी चलते थे। घोड़ी चौकन्नी थी, घोड़ी चौकन्नी थी, दाएं लख बाएं लख गर्दन हिलाती थी, रुक रुक कर मुड़ती थी, मुड़ मुड़ कर रुकती थी, आगे से उठती थी, पीछे से झुकती थी, युद्धों के योग्य थी, शादी में दर्क थी, वकीलों के तर्कों से ज़्यादा सतर्क थी, वकीलों के तर्कों से ज़्यादा सतर्क थी। दूल्हा भी घोड़ी की गतिविधियाँ देखकर काफ़ी चौकन्ना था, उसका इस यात्रा में दुल्हन से भी ज़्यादा घोड़ी पर ध्यान था, दुल्हन से भी ज़्यादा घोड़ी पर ध्यान था, गर्दन पर आंखें थी, टापों पर कान था, मन था उतरने का कह नहीं सकता था, दोस्तों के साथ बीतती, मन था उतरने का कह नहीं सकता था, अपनी दुर्बलता औरों के सामने सह नहीं सकता था। तभी वहाँ दूल्हे के स्वागत में बम में गोले सा फूट गया, आतिशबाजी छोड़ दी किसी ने पीछे से, तभी वहाँ दूल्हे के स्वागत में बम में गोले सा फूट गया, सुनकर धमाके को, भीषण पटाखे को, चौकन्नी घोड़ी का धीरज ही छूट गया। गर्दन को लटका दे, पाँव को चटका दे, सरपटियों दौड़ चली, बाराती छैलों को, राहों को, गैलों को पीछे छोड़ चली। दूल्हा भी चटपट से दुल्हन को भूलकर घोड़ी पर झूलकर कंधे के बालों से, लंबे आयालों से कसकर लिपट गया, काठी तो गिर पड़ी पीठ से चिपट गया, काठी तो गिर पड़ी पीठ से चिपट गया। बाराती भगदड़ में, भीड़ में, कोलाहल में तितर बितर हो गए, घोड़ी चढ़े दूल्हे को देखने सड़कों पर, गलियों चौराहों में इधर उधर खो गए, कईयों ने देखा भी घोड़ी चढ़े दूल्हे को सड़कों पर भागते, आवाजें दी कितनी, रुक जाओ रुक जाओ, पर दूल्हा क्या बोले, वो घोड़ी थोड़े था सुनकर जो रुक जाता, वो घोड़ी थोड़े था सुनकर जो रुक जाता। घोड़ी की गति देखें आप दौड़ने की, घोड़ी चलचित्र सी, युग के चरित्र सी, कुल के कुपात्र सी, आवारा छात्र सी, पचपट योगी सी, कामातुर भोगी सी, मन की उमंग सी, उच्छल तरंग सी, अतुकांत कविता सी, और छंद भंग सी, सरपटियों घोड़ी सी, लगता था अगजब में घोड़ी ही घोड़ी सी। बेचारा दूल्हा भी कई बार दुल्हन के सजे हुए द्वार से, तोरण से, माला से, वो बंधनवार से, दो गज की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका, दो गज की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका। स्त्रियां बोल उठी, वर्जी उतर पड़ो, पर वर्जी बेबस थे कैसे उतरते, उतरते तो गिरते, गिरते तो मरते, चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते, चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं, दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, घोड़ी ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं, वर को घोड़ी का डर, घोड़ी को वर का डर, डर को डर पकड़े था ये उतरे।